हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। द प्रिंस ऑफ टॉलीवुड कहे जाने वाले महेश बाबू ने अभी हाल ही में जो बॉलीवुड के लिए स्टेटमेंट दिया है, ये उनका पहला कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक वक्त ऐसा था जब उनकी शादी भी एक कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई थी। महेश बाबू भले ही बॉलीवुड से भागते हों या उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना समझते हों, पर कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 4 साल की उम्र से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले महेश बाबू ने जब एज ए लीड रोल अपनी फिल्म से डेब्यू किया था, तो उसमें उनकी पहली लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड की ही एक जानी मानी एक्ट्रेस थी और उस एक्ट्रेस का नाम है प्रीति जिंटा। अपनी पहली फिल्म से ही ये स्टार बन गए थे। अगर इनके सक्सेस की बात की जाए तो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में केवल रजनीकांत सर हैं जिन्हें इनसे ज़्यादा फीस मिली है। उसके अलावा ये अब तक के टॉलीवुड के सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना चार्मिंग और एक समय पर इंडिया का मोस्ट डिजायरेबल मैन इन इंडिया रहने वाला ये एक्टर स्क्रीन पर कभी भी शर्टलेस नहीं हुआ है। महेश बाबू ने कभी भी स्क्रीन पे ना तो अपनी शर्ट उतारी है ना ही अपनी बॉडी दिखाई है। वो अपनी आँखों से, अपने इमोशन से और एक्सप्रेशन से ही लोगों को अपने एक्टिंग का लोहा मनवा लेते हैं। इसके अलावा वो ऑन स्क्रीन स्मोकिंग सीन भी नहीं करना चाहते हैं। वैसे वो रियल लाइफ में पहले स्मोकिंग करते थे, पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी ये आदत छोड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो एक काफ़ी आइडियल एक्टर हैं, पर ऐसा नहीं है। इतने सारे रूल्स फॉलो करने वाले महेश बाबू उस वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे जब उन्होंने रॉयल स्टेज विस्की का एड साइन किया था। ह्यूमन राइट कमीशन ने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी। वैसे बॉलीवुड से चिढ़ने वाले महेश बाबू अपनी दुल्हनिया भी बॉलीवुड से ही लेकर गए हैं। दरअसल उनकी मुलाकात फॉर्मर मिस इंडिया और जब प्यार किसी से होता है मूवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली नम्रता सिरोडकर से वामसी मूवी के सेट पर हुई थी। कहा जाता है फिल्म के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन काफ़ी लंबे वक्त तक उन लोगों ने इसे मीडिया से छुपाए रखा। नम्रता महेश से लगभग 4 साल बड़ी हैं। महेश बाबू ने लगभग 5 साल इस अफेयर को छुपाए रखा और बाद में अपने पेरेंट्स को मनाने के बाद 2005 में उन्होंने कुछ रिश्तेदारों की उपस्थिति में सिंपल तरीके से शादी कर ली। शादी से पहले उन्होंने नम्रता के सामने एक शर्त रखी थी और शर्त ये थी कि नम्रता शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और वह केवल उनके परिवार और बच्चों का ख्याल रखेंगी। ऐसा लगता है कि महेश बाबू शुरू से ही अपने करियर और शादी को लेकर काफ़ी क्लियर थे और इसलिए उन्हें उनका करियर और उनकी पत्नी दोनों मन मुताबिक मिली। वैसे महेश बाबू भले ही बॉलीवुड में कदम नहीं रखना चाहते हों, लेकिन वो टॉलीवुड के प्रति बेहद डेडिकेटेड हैं और वो चाहते हैं कि टॉलीवुड की फिल्में केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जानी जाए। वैसे टॉलीवुड की फिल्में सक्सेसफुल हो रही हैं, लेकिन उनका गुजरना हिंदी सिनेमा की गली से ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।